हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाला हूँ ये है कि आपको मैं कोल्ड वाटर में रहने के लिए बेस्ट फिशेज बताने वाला हूँ 5 ठो। मतलब ऐसे फिशेज जो एक तरीके से मैं बोलता हूँ सबको कि भाई ठंडी में हीटर लगा लो, हीटर ज़रूरी है। बट बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसी फिश बताओ जो बिना हीटर के भी रह सकती है। तो मैं यार गारंटी तो नहीं कर सकता कि ये फिश रहेगी बिना हीटर के। अब आपके एरिया में हो सकता है कि पानी फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता हो, तो वैसे ही मैं तो कोई फिश रह ही नहीं पाएगी बिना हीटर के। बट देन ऑल्सो मैं आपको 5 फिशेज बताने वाला हूँ जो ठंडी पानी को झेल जाती है अगर आप एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में, मतलब ठीक ठाक ठंडी वाले एरिया में रहते हो जहाँ पानी जमता नहीं है। तो उन केसेस में आपको ये फिश आप ये रख सकते हो, एकदम परफेक्ट तरीके से वो रहेंगी। जो सबसे पहला फिश आपको मैं बताऊंगा वो तो भाई हमारी गोल्ड फिश वैरायटीज की आ जाती है। हम सबको पता है कि गोल्ड फिश जो है वो कोल्ड वाटर फिशेज होती हैं। इसमें आप कॉमन गोल्ड फिश, क्रोमेट, फैंसी कोई भी रख सकते हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ये 10 डिग्री से 22 डिग्री टेम्परेचर तक आराम से झेल जाती हैं। तो मैक्सिमम यार ठंडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब गिरता है पानी का तो 5 डिग्री 6 डिग्री जाता है, तो आप गोल्ड फिश रख सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब नहीं, तो पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास ही रहता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो आप पहला है गोल्ड फिश रख सकते हो। दूसरा है यार आप बोलते हो नहीं भाई गोल्ड फिश बहुत कॉमन है, आप बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, बहुत लोग रखते हैं, कुछ अलग सा बताओ। तो यार आप एक रेड मिनोज आते हैं, रोजी रेड मिनोज, आप वो रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्डी फिशेज होते हैं एक तरीके से। आप मतलब ये ठंडा पानी तो झेल ही जाते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ और झेल जाते हैं कि अगर आप अच्छा इक्विपमेंट नहीं दिए हो, वाटर चेंजेस उतने अच्छे से नहीं करते हो, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिश होती हैं, ये ईजिली इन सब चीज़ों को झेल जाती हैं। तो आप रोजी रेड मिनोज रख सकते हो, ये आपको किसी भी एक्वेरियम शॉप में ईजिली मिल जाएगा। तो तीसरा है, ये भी मिनो फैमिली का ही आपको मैं फिश बताऊंगा, वो है फैट हेड मिनो। एक तरीके से ये भी वेरियस इन्वायरमेंट्स में बहुत ईजिली घुल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से। जिस तरीके से आपको पिछले वाला जो फिश था वो जिस तरह से हार्डी फिश था, उस तरीके से ये भी हार्डी है। एंड इस लिस्ट में जो आपको मैं ये 5 फिशेज का लिस्ट बताने वाला हूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा ठंडा पानी यही झेल सकता है भाई। ये 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का पानी आराम से झेल जाता है। तो आप कैसे भी इलाके में रहते हो, हीटर नहीं देते हो, तो आप ये फिश रखो, बहुत ईजिली ये रह जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 4th आपको मैं फिश बताने वाला हूँ वो है ब्रुक ट्राउट। देखिए एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा फिश है, काफ़ी ज़्यादा ठंडे पानी में रह सकता है, विदाउट हीटर भी आप इसको रख सकते हो। बट यार इसको रखते हो ना तो एक बार ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा टैंक चाहिए, मतलब 4-5 फीट का टैंक से नीचे तो सोचना ही मत इसको रखने का। छोटे टैंक में रखोगे तो रह नहीं पाएगा, इसको स्ट्रेस होगा एंड हो सकता है ये बाहर टूट जाए या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, मतलब अच्छा नहीं रहेगा इसको रखना छोटे एक्वेरियम में। तो ब्रुक ट्राउट आप रख सकते हो। 4th फिश ये रहेगा जो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक का टेम्परेचर बहुत ईजिली झेल सकता है। एंड जो 5th आपको लास्ट फिश बताऊंगा वो है वाइट कोई। एक बार मैं ये रख चुका था, मिल्की कोई, वाइट कोई, बहुत लोग इस अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो आप ये फिश रख सकते हो, 10 डिग्री से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर बहुत ईजिली ये फिश झेल जाएगा। बट इसको भी रखते हो तो बड़ा टैंक ले आना यार, कम से कम 2.5-3 फीट का टैंक लाना, उससे नीचे मत रखना क्योंकि ये फिश अच्छा ग्रो कर जाती है एंड इनको बड़ा टैंक चाहिए अच्छे से स्विम करने के लिए। कोई फिश रखते हो तो ध्यान में रखना ये बाहर जंप कर जाती हैं, तो अपने एक्वेरियम में कैप लगा के रखना, नहीं तो ये कभी कभी बाहर कूद जाती हैं, तो उस केस में इनकी डेथ हो सकती है। तो मैंने टोटल यार आपको 5 फिश बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम पे और भी वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ, बहुत सीरियस बनता हूँ भाई, डेली वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं दे दूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।